अस्सलाम वालेकुम फैन, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं चाहने वाले जहाँ भी रहें बात रहे अल्लाह ताला आपका पूरी करे, आमीन। और आज का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट करूँगा, तो ज़्यादातर व्लॉग मैं किचन में ही बनाता हूँ। तो आज मैं बनाने लगा था राजमा और सफ़ेद चावल। तो राजमा और सफ़ेद चावल रेसिपी मेरी फेवरेट है, तो इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और न्यू आने वाले को वेलकम करता हूँ, न्यू आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने पर घंटी पर साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो प्लीज़ जितने भी बहन भाई आएंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो में कमेंट छोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन कमेंट्स से कुछ नहीं होता, आप वीडियो में स्टे किया करें, दो या तीन मिनट के लिए ठहरा करें। एक मिनट के लिए आएंगे वीडियो में कमेंट छोड़ कर चले जाएँगे, इससे व्यू भी नहीं ऐड होगा और वीडियो का जो है ना रिव्यू वो भी ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट छोड़ने आएंगे तो स्टे कीजिएगा और देखिएगा कि मैं किस तरह से राजमा और सफ़ेद चावल को रेडी कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देखा करें, स्टे किया करें, तो वीडियो को मतलब ख़राब ना किया करें। अगर एक मिनट के लिए आएंगे तो चले जाएंगे कमेंट छोड़कर, तो व्यू जो है वो भी ऐड नहीं होंगे, व्यू आना काम हो जाते हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में स्टे किया करें, इससे स्टे करने से व्यू जो है ना ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग देख लिया करें कि किस तरह से कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर चले आए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि राजमा को मैंने रेडी कर कैसे करना है, सफ़ेद चावल को कैसे रेडी करना है। तो ये है जी राजमा, राजमा मैंने साफ करके भिगो के रखा है, इसे 6 घंटे गुजर चुके हैं भिगे हुए। और यह है चावल, चावल 1 किलो करीब चावल है, इसे मैंने साफ करके भिगो के नहीं रखा है, इनका भी टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ। साथ सिंपल वाटर है राजमा के लिए, 1 गिलास में सिंपल वाटर है, वो नेक्स्ट चाहूँगा किस काम आएगा। योगर्ट मेरे पास कुछ काम ही था तो मैंने उतना ही ले लिया। यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक है, यह चावलों में जाएगा। 1 टी नमक है, 1 टी सोल मिर्च है, 1 टी मिक्स गर्म मसाला, 1/2 टी हल्दी है, ये जाएगा जो राजमा में। और हरा धनिया और यहाँ पर हरी मिर्च कट की है, और मेरे पास एक कच्चा टमाटर था वो कट किया है, एक दूसरा टमाटर वो कट किया है, 2 टमाटर कट किए हैं। और यहाँ पर मैंने आँच जली हुई है, तो यहाँ पर 2 बड़े प्याज थे, 2 लहसुन गट्ठी जो है ना वो छीनी थी, तो इनको मैंने थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल मैंने ऐड किया था, इसका थोड़ा सा हम कलर जो है ना चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैंने पानी जो है ना रखा हुआ है राजमा को थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो इसमें मैंने पानी राजमा जो है ना अभी जो है ना ऐड कर दूँगा, क्योंकि जब तक हमारा जो ना राजमा का जो मसाला मैं जब रेडी करूँगा तो साथ ही जो ना राजमा को भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। वैसे ये देखें भीग चुके हैं, तो वैसे भी ये सॉफ्ट होंगे तो फिर कम टाइम जो है ना लेंगे रेडी होने में, इसे मैं रेडी करने के लिए मीडियम आंच पर जो है ना छोड़ देता हूँ। तो ये मीडियम आंच पर सॉफ्ट होते जाएंगे तो वहाँ पर हम राजमा को जो है मसाला रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना वो करेंगे चावलों को जो है ना रेडी करेंगे। तो मेन पहले राजमा को हमने रेडी करना है, इसके 1 मिनट के लिए मैं रेडी इसे करके तो फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए राजमा और लहसुन को 1 टेबल स्पून ऑयल था उसमें मैंने इसे सीते भून लिया, तो उसके बाद इसमें नेक्स्ट ये जो पानी मैंने रखा था 1 गिलास ये ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी मैं जो ना हाफ ले रहा हूँ, टमाटर ये ऐड करेंगे, और इसके बाद ये स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसको मैं जो है ना पानी हम इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी रेडी करनी है, जो मसाला कह रहे ग्रेवी कह रहे एक चीज़ है। इसको मैं ढक्कन लगा कर तकरीबन 7 मिनट के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मिलता हूँ। तो देखें यहाँ पर प्रेशर को सीटियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, टाइम कम्प्लीट होता है तो हम इसे ओपन करके देखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छी अच्छी प्यार प्यार कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जितनी प्यारी वीडियो है उतनी प्यार प्यार कमेंट्स भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी ये आप लोगों को पता है कि मैं ग्रेवी रेडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर साथ ही मैंने राजमा को भी बॉयल होना जो ना रखा है। राजमा मेरे पास जो थे ना ये थे देसी थे, तो जब तक ये सॉफ्ट होंगे तो बाद में इसका पानी टेस्ट करेंगे, अगर इसका पानी कड़वा हुआ तो हम इसका पानी जो ना फेंक देंगे, इसका पानी फिर यूज़ में नहीं लाएंगे। तो अभी मैं प्रेशर को ओपन करके आप लोगों को ग्रेवी रेडी करके दिखाता हूँ।
तो जैसे ही प्रेशर ऑफ किया तो पानी देखे होश को चुका है। तो ये चीज़ें अब लकड़ी के स्पून के साथ हम मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो फुल आँच पर मैंने ग्रेवी को अच्छी तरह से देखे रेडी कर लिया। देखें जितनी आपकी ग्रेवी अच्छी बनेगी उतना राजमा के रेसिपी में टेस्ट ज़्यादा आएगा। 1 टेबल स्पून ऑयल है और 1 टेबल स्पून जो है घी है, खाने वाला जो स्पून है वो बता रहा हूँ। तो इसमें हम ग्रेवी को दो ना 5 मिनट के लिए अच्छे तरह से भून लेंगे। वो एक बार फिर से कहूँगी ग्रेवी जितनी आपकी अच्छी बनेगी उतना आपकी राजमा की रेसिपी में जो है ना टेस्ट जो है ना आएगा। तो 5 मिनट के लिए भून के तो फिर नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी बुनाई जो है ना काट दी है फुल आँच पर। तो अभी हम इसमें जो है ना पानी ऐड करेंगे। पानी हम उतना लेंगे जितना हमने से चावलों के साथ इसका शोरबा रखना। इतना मैं पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं इसे खुले में छोड़ूंगा मीडियम आंच पर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजमा हम हमारे कहाँ तक साफ हुए हैं। तो इनका पानी भी टेस्ट करेंगे, इनका पानी कड़वा तो नहीं, नहीं तो फिर इनका पानी जो है ना फेंक देंगे, पानी फिर यूज़ में नहीं लाएंगे। तो राजमा को अभी मैं देखता हूँ मतलब कहाँ तक साफ हुआ है। तो राजमा ये देखें टूटना जो ना स्टार्ट हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं। बाकी हम प्रेशर में सीटी लगाएंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राजमा का पानी कड़वा था तो मैंने इसका पानी निकाल दिया। तो ये राजमा जो है ना हम राजमा ही ऐड करेंगे अपनी जो ग्रेवी बनाई है। तो ग्रेवी में सो भी योगर्ट ऐड करना था तो योगर्ट अभी भी हम ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी को रेडी करते हुए ऐड करना था तो मुझे भूल गया। तो अभी भी जो है ना हम अपनी ग्रेवी में रेडी कर सकते हैं। तो आँच भी मैंने मीडियम रखी है। तो अब हम इसमें जो ना राजमा वो ऐड करेंगे। तो राजमा ऐड करने के बाद मैं इसे ढक्कन लगा कर 10 मिनट के लिए इसे सीटी लगाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी जो है ना रखा है। तो चावल हमारे अभी 1 घंटा गुजर चुका है। पानी जब फुल गर्म होगा तो फिर हम इसमें जो है ना चावल जो है ना ऐड करेंगे। तो चावलों के लिए यहाँ पर मैंने नमक लिया था 2 टेबल स्पून। तो ये ऐड जो है ना कर देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, इतना ऐड करेंगे कि पानी थोड़ा सा कड़वा हो जाए। तो बस इतना बहुत है। पानी गर्म होता है तो फिर आप लोगों से चावल ऐड करते हैं। तो इसको मैं सीटी लगा कर तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पर चावलों का पानी जो है ना गर्म हो चुका है। तो चावल भी 1 घंटा गुजर चुका है। चावल जितने भी भिगोए थे मैंने वो पानी निकाल दिया। अब इसमें से चावल ऐड करेंगे। तो ये मैं सारे चावल जो है ना इसमें ऐड कर देना। तो अभी प्रेशर जो है ना इसको भी ओपन कर देंगे। इसको 5 मिनट से सीटी लगानी है तो ओपन करके दिखा दें। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर ओपन किया तो हमारा राजमा जो है ना सॉफ्ट हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। उसे 5 मिनट के लिए खुले में ऐसे रेडी करूँगा, फिर फाइनल आप लोगों को डिश आउट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो इनकी जो है ना पिच जो है ना निकाल देते हैं। फाइनल दोनों चीज़ें आप लोगों को डिश आउट करके दिखा देते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राजमा और चावल बिल्कुल रेडी हैं। पहले आप लोग फाइनल लुक देखें। तो बहुत ही मज़ेदार सा राजमा का जो है ना सालन बनकर रेडी हो चुका है सफेद चावल के साथ। बहुत मज़ा आता है खाने का। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक वीडियो को शेयर कीजिए और प्यार कर कमेंट्स कीजिए। तो मेरी फेवरेट रेसिपी थी तो आप लोगों के साथ शेयर की। स्टेप बाय स्टेप जिस भाई ने जिस बहन ने वीडियो को फुल वॉच किया, लाइक कमेंट्स किया, उनका थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों से साथ मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक ये जी अपने होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।